तो स्टूडेंट्स आप लोग को हम बता दें कि पीएम और पीएमएम यानी पारा मेडिकल या 10th लेवल पे और 12th लेवल पे ये दोनों जो फॉर्म भराया था इसका रिजल्ट जो है आ गया है, ठीक है। और हम देखिए रिजल्ट आया है और इसका रिजल्ट जो है ना, सुनिए, दो आपका जो कैटेगरी रैंक में भी दिया होगा और यूआर रैंक में दिया होगा। देखिए एक चीज हम यहाँ पे समझा देते हैं आप लोग को कि यूआर रैंक और ये कैटेगरी रैंक, ये दोनों रैंक का रिजल्ट आया। और हमने रिजल्ट आने से पहले भी कई कोर्स के बारे में बताया था आप लोग को कि ये दो गो रैंक मिलाना, अगर ये दो गो रैंक है, अभी हम कॉलेज बाय कॉलेज जो है आपको रैंक के सीट बाय सीट बताएंगे, कैटेगरी बाय कैटेगरी, तो जितना हम कैटेगरी बाय रैंक बता रहे थे और आगे बताएंगे, सब में भी वीडियो आएगा बताएंगे, तो यू आर रैंक और कैटेगरी रैंक ये दोनों रैंक पर ही आप, इसके अलावा रैंक पर काउंसलिंग नहीं होगा। लेकिन सुनिए, जितना भी अगर जो स्टूडेंट है पीएम का फॉर्म भरे थे 12th लेवल पे, तो उनके लिए अगर एएनएम करना चाहते हैं और जीएनएम तो वो होगा क्योंकि 12th लेवल पे ही है। लेकिन पीएम में 10th लेवल पर जो था इनके लिए सिर्फ एक ही कोर्स है और वो कोर्स है ड्रेसर का, तो उनका काउंसलिंग ड्रेसर में होगा। इनका एएनएम जीएनएम डी फार्मा भी में भी होगा, डिप्लोमा फिजियोथेरेपी सारे में चीज में होगा, 12 कोर्स में होगा इनका टोटल 12th लेवल वाला में काउंसलिंग, और जबकि 10th लेवल वाला में सिर्फ ड्रेसर का होगा। तो जितने बच्चे अभी तक रिजल्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर के रिजल्ट चेक कर लीजिए, ठीक है।